नमस्ते स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज एक्सपोनेंट एंड पावर्स क्लास 8। बेटा एक्सपोनेंट एंड पावर जो चैप्टर है वो हम 7th क्लास में पहले पढ़ चुके हैं, बट 8th क्लास के अंदर जो है वो क्या है, थोड़ा एक्स्ट्रा होगा 7th क्लास से। मींस आपने जो है क्लास 7th के अंदर पढ़ा है एक्सपोनेंट एंड पावर्स के अंदर पॉजिटिव पावर्स पढ़ी है, और 8th के अंदर क्या होगा, आगे क्लास 8th के अंदर जो नेगेटिव पावर्स है वो भी इंक्लूड हो जाएगी। ओके, so let me start introduction about exponent and powers. If I write this number, then how to read this number? 10 raised to the power 4. Okay, this number read 10 raised to the power 4. Okay, in this part 10 is the base of the number and 4 is the exponent of the number. Okay, बेटा 10 raised to power 4 को आप represent कैसे करोगे? जैसे 10 raised to power 4 है, means 10 की power कितनी है आपके पास? 4, means आपको क्या करना है? 10 को 4 times multiply करना है। Okay, means बेटा 10 को जब 4 times multiply करोगे तो आपको result obtain होगा 10,000, mean 10 raised to the power 4 equal to 10,000. Okay, similarly 10 raised to power 5 means आपके 10 की power 5 है, means आपको क्या करना है, 10 को multiply करना है 5 times. Okay, तो बेटा ये number क्या obtain होगा हमें, 1 lakh. Okay, means 10 raised to the power 5 equal to 1 lakh. Similarly 10 raised to power 6 means 10 multiply by 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 10 means 1 ke saath 6 zeros. Okay, 1 2 3 4 5 6, beta ye number kya ban jayega aapke paas, 10 lakh. Okay, 10 raised to the power 6 equal to 10 lakh. Okay all of you, now move to the laws of exponents. Okay, laws of exponents. a raised to power m multiply a raised to power n. बेटा देखिए इन दोनों पार्ट के अंदर a raised to power m multiply a raised to power n, दोनों के अंदर देखिए आप बेस जो है वो क्या है हमारे पास, सेम है. ओके, एंड एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट. बेटा जब भी बेस सेम होता है और एक्सपोनेंट्स डिफरेंट होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन केस के अंदर इसका फॉर्मूला बन जाता है a raised to power m plus n. ओके, मींस बेस तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, और पावर्स का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा. ओके ऑल ऑफ यू, सेकंड लॉ देखिए बेटा, a रेज टू पावर m डिवाइड a रेज टू पावर n. बेटा देखिए इसके अंदर हमारे पास दोनों के अंदर क्या है, बेस जो है सेम है, इसमें भी ये है इसमें भी ये है, बट पावर्स आर डिफरेंट एंड एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट. बेटा एक्सपोनेंट्स को आप पावर से भी डिनोट कर सकते हो, पावर्स में बोल सकते हैं उनको. तो देखिए बेस जो है हमारे पास सेम है और एक्सपोनेंट्स हमारे पास डिफरेंट है. जब डिवाइड होगा तो उसके अंदर हमारे पास क्या रहेगा, बेस तो सेम रहेगा और पावर्स का क्या हो जाएगा, सबट्रैक्शन. मींस a रेज टू पावर m डिवाइड a रेज टू पावर n इक्वल टू a रेज टू पावर m माइनस n. ओके ऑल ऑफ यू, नाउ थर्ड लॉ, a रेज टू पावर m रेस्ट टू पावर n. बेटा देखिए a की पावर आपके पास m है, उसके पावर n है, मींस इन दोनों पावर्स का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. बेस तो आपके पास a ही रहेगा और m जो है n के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. ओके ऑल ऑफ यू, बेटा देखिए बेस जो है वो आपके पास क्या है, डिफरेंट है, और पावर्स क्या है, सेम है. देखिए बेस जो है आपके पास क्या, डिफरेंट, और एक्सपोनेंट जो है वो सेम है. तो इस केस के अंदर क्या करना है बेटा,
एक्सपोनेंट तो सेम रहेगी और जो आपके पास बेस है दोनों किसमें मल्टीप्लीकेशन के अंदर, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर इसको लिखेंगे a मल्टीप्लाई बाय b, पावर हो जाएगी आपकी m, ओके a मल्टीप्लाई बाय b रेस टू पावर m, ओके। और बेटा इसको आप ऐसे ए बी की पावर एम बी डिनोट कर सकते हो, ओके ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट लॉ देखिए बेटा, a रेस टू पावर m डिवाइड b रेस टू पावर m, ओके। बेसिस आर डिफरेंट एंड एक्सपोनेंट्स आर सेम, तो बेटा इसके अंदर देखो जो बेस है वो हमारे पास डिफरेंट है, मींस वो डिवीजन के अंदर है, तो इसके अंदर कहां रहेंगे ये डिवीजन में ही रहेंगे, और पावर जो है दोनों की क्या सेम, तो वो क्या हो जाएगी a upon b raised to the power m, ओके ऑल ऑफ यू। बेटा नेक्स्ट देखिए, a raised to power 0 equal to 1, बेटा मींस कोई भी नंबर हो अगर उसकी एक्सपोनेंट अगर 0 है या उसकी पावर 0 है तो हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, ओके ऑल ऑफ यू। नाउ मूव टू द नेक्स्ट लॉ, a रेस टू पावर माइनस m, बेटा देखिए ये जो नेगेटिव पावर है ये आपकी क्लास 8 के अंदर ऐड हो जाएगी, ओके। अब देखो a रेस टू पावर माइनस m, तो माइनस m है, क्वेश्चन के अंदर बेटा आपको बोला जाएगा कि आपको आंसर को क्या करना है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स के अंदर कन्वर्ट करना है, ओके। तो a रेस टू पावर माइनस m है तो उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे हम, इसको क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल कर देते हैं, मींस a रेस टू पावर m हो जाएगा, मींस a रेस टू पावर माइनस m है अगर उसका अपन रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर्स क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, ओके ऑल ऑफ यू। बेटा सिमिलरली देखो इसके अंदर, अब इसके अंदर ये नंबर भी हो सकता है a अपॉन b रेस टू पावर माइनस m, बेटा देखो ये फ्रैक्शन के अंदर नंबर है और पावर क्या है उसकी नेगेटिव, तो अगर आपको पावर पॉजिटिव करनी है तो उस केस के अंदर क्या करना है आपको इसका रेसिप्रोकल करना है, इसके अंदर मैंने a का रेसिप्रोकल किया था, इसके अंदर हमारे पास नंबर कौन सा है a अपॉन b, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा b अपॉन a और पावर क्या हो जाएगी हमारे पास पॉजिटिव, ओके। मींस नेगेटिव पावर को अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है आपको तो जो नंबर है उसका क्या करना है रेसिप्रोकल, अब a अपॉन b है तो क्या हो जाएगा b अपॉन a, ओके ऑल ऑफ यू। ओके